इधर बड़े लड़की ने राम पंडित के साथ शादी कर ली है और छोटी लड़कियों ने भाइयों के साथ शादी कर ली है। अब एक बात बता दें, राम पंडित ने प्रिया के साथ शादी की है तो ये वहां से निकल गए हैं और बीच में एक नदी है, नदी का नाम था रोहिणी और रोहिणी के उस तरफ था जंगल, उस जंगल का नाम था कोल वन, जहां कोल की लकड़ी थी। अब देखना कोली और साहित्यों का इतिहास कैसे है। यहां यदि कोली और साहित्य हमारे भाई बैठे तो ध्यान से सुनो, हम जीवन तो जी रहे हैं लेकिन अपना इतिहास नहीं जानते। बहुत मार्मिक इतिहास दे रहा हूं। उधर कोलवन में रहते हैं, कोल की लकड़ी जानते हैं, कोल की लकड़ी होती है, कोल की लकड़ी में वो रहते हैं और साखू की लकड़ी के बदले ये रहते हैं, चार भाई बहन। अब याद रखो उधर वो प्रिया और राम पंडित के दोनों पति पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कोली कहलाए। कोली क्यों कहलाए? क्या कोल वन में रहते थे और दूसरी बात उनको कोल रोग था, कुष्ठ रोग को कोल भी कहते हैं। और तीसरी बात कोल, कोल माने वचन, वचन के लिए पक्के थे, इसलिए भी तीन इतिहास मिलते हैं, तीन प्रमाणिक बातें मिलती हैं। इसलिए इनके बच्चे जब पैदा हुए वो कोली हो गए और इधर जो सात वन में रहते थे साखू की लकड़ी के वन में रहते थे और ये साख वाले थे, कहते थे कि भैया बाघ की बात की तो बड़ी साख है, साख, इसलिए ये साख इनके बच्चे जो पैदा हुए जो साख हो गए और रोहिणी नदी के उधर जो पैदा हुए वो कोली हो गए। इस तरह से साख और कोलियों की उत्पत्ति भगवान बुद्ध के इतिहास में इस तरह से मिलती है। बात अच्छी लगी हो इतिहास प्रमाणित तो जोरदार ताली आप लोगों की होगी, याद रखना, क्योंकि मैं कोई फालतू बकवास करने नहीं आता, मैं इतिहास पेश करता हूं। बस शर्त यही है कि उस मेरे तरीके से आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, दादा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस ये कि जो भी है आप सुनते रहिए और जब ऐसा लगे आपको कि हाँ तो मैं नीचे उतर के आऊंगा, मैं आपसे सीखूंगा, बहुत सीखूंगा, क्योंकि आप लोगों से तो सीखता हूँ, मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों से सीखता हूँ। चलेगा, बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए गुरु महाराज की। इधर कोली है और उधर साख, और साखों में धीरे 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 पीढ़ियां चलती गई, पीढ़ियां चलती गई और आगे जाकर के एक जयसेन नाम के व्यक्ति पैदा हुए जो राजा बने, ये कपिल वस्तु के कहलाए गए। और जयसेन के एक लड़का और हुआ जिसका नाम था सिंघनु। हमारी बेटी ने दिन में बताया था कि सिंघनु, सिंघनु सिंह माने शेर और हनु माने थोड़ी, जिसकी थोड़ी सिंह के समान होती है उसी को सिंघनु कहते, याद रखना। और सिंघनु के पांच पुत्र हुए, पांच पुत्रों में कौन कौन थे? शुद्धोधन, शुक्लोधन, अमितोधन, धृतोधन और साक्योधन। ये पांच पुत्र हैं, शुद्धोधन, धृतोधन, अमितोधन, साक्योधन और शुक्लोधन। और इन पांच पुत्रों के बीच में दो पुत्रियां हो रहे हैं, याद रखना। मैं पूछूंगा, मैं बीच में पूछता हूं कि मैं इस समय पर टीचिंग का काम कर रहा हूं, मैं समय पे पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और आप पढ़ने का काम कर रहे हो, इसलिए मैं बीच में पूछूंगा। पहले पुत्र का नाम था शुद्धोधन और दूसरे का शुक्लोधन, तीसरे का साक्योधन, चौथे का अमितोधन और पांचवे का धृतोधन। और इन पांचों के बीच में दो बिटिया और थी, ये दो बिटिया को क्या नाम था? अरे एक तो लड़की से हुई और लड़की का नाम था महामाया। महामाया की एक और बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। राजा ने सोचा मेरी दो बेटियां हैं और राजाओं को एक से अधिक शादी करने का अधिकार होता था, इसलिए शुद्धोधन कला में निपुण थे, विद्वान राजा थे और शक्तिशाली भी थे, इसलिए राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों की शादी राजा शुद्धोधन के साथ कर दी है। और शुद्धोधन के साथ शादी करने के बाद महामाया नाम की लड़की दुल्हन बन के और प्रजापति नाम की लड़की दुल्हन बन के घर में आई है। धीरे 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 समय निकलता गया और एक दिन कपिल वस्तु में एक आषाढ़ के महीने में एक उत्सव मनाया। याद और रखना मेरे भाइयों, हमारे बुद्ध के इतिहास में, बाबा साहब के इतिहास में, अंबेडकरवादी लोगों के यहाँ त्योहार नहीं मनाया जाता। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ,
अंबेडकरवादियों के घर में त्योहार को मान्यता नहीं देते, यहाँ पर उत्सव को मान्यता देते हैं। काय को देते हैं? उत्सव को, त्योहार को मान्यता नहीं देते। त्योहार को मान्यता क्यों नहीं देते? सवाल ये है, अभी आप बोल रहे थे कुरीतियों पर, मेरा टारगेट बहुत लंबा रहता है, यहाँ थोड़ा सा मैं बंधन में हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं बंधन में क्यों बोलना, खुल के तो मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी दूसरी है, मैं उस चीज को भी महान को देख के चल रहा हूँ, इसलिए आप सब समझदार है। उत्सव होता है, त्योहार नहीं होता। त्योहार का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से सुनिए सभी, त्योहार, त्योहार को चार पांच बार बोलेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हे लड़के, हे सीधे बैठ, और नींद लग रही है तो घर जा। दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, बस सब, बस दस तक हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। होशियार हो तुम, होशियार, तुम्हारी मम्मी आई है ना? अरे ऐसे कहाँ ढूंढो, मम्मी तो एक ही होगी, कौन सी है, देखो नहीं आई। ये बच्चा किसका है, जरा हाथ उठा व्यक्ति, तुम्हारा देखो पीछे बैठी, इसलिए पहचान, दो हाथ कैसे उठे मेरी समझ नहीं। अच्छा एक ही है, देखो पीछे बैठी तुम्हारी मम्मी, वो काली वाली साड़ी पहन के, बहन जी जरा और हाथ उठाओ, पापा जी आए इधर, देखो पापा जी ने होंगे, पापा कौन है, भैया आप है, जरा और आगे आ जाओ, अच्छे सही पकड़ में आए आप, आ जाओ सरपंच साहब, सरपंच जी तो हाँ जो भी मुझे मैन आदमी लग रही है। देखो आज इनकी आज ट्यूशन चले गए, देखो सही, देखो जी पापा तुम्हारे, एक बार पहचानो, ऐसे नहीं पहचानो, जी बोलो हाँ या ना, जी पक्का जी, पापा एक ही है, अरे बताओ ना कितने वाली बात है, कितने, अरे झूठ मत बोलो, कितने एक ही है, माइक के पास बोलो, कितने एक ही है, पक्का पक्का, अच्छा गिनती गिनो, गिनोगे, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गिनवाऊंगा तो तुम गिन देना, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अम्मा तुम कहना एक, मैं कहूँगा दादा तुम कहना दो, मैं कहूँगा चाचा तुम कहना तीन, ऐसे मैं तुम्हारे घर सबको लोगों को गिनवाऊंगा, ठीक है, तो तुम एक से शुरू करना, ठीक है, तो जोर से बोलना, बोलेंगे, अगर मैं कहूँगा अम्मा तुम क्या कहोगे एक, फिर मैं कहूँगा दादा तुम क्या कहोगे, तो ऐसे ही शुरू करना है, अब जोर से बोलना, ठीक है, बोलो मम्मी पापा, हो गई गड़बड़, और मैं पहले ही कह रहा था एक बार बैठे पहचान ले कि नहीं, गुरु जी ये कहीं फिर गिनो, मम्मी पापा, जोरदार ताली बजा बच्चे के लिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, माइक रखते हैं, मैं कम टू रिपोर्ट में जगह को नहीं छोड़ता। त्योहार 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 त्योहार, त्यो माने तेरी, हार माने मेरी, जहां जहां हमारी हार हुई है वहां वहां उन गद्दारों ने त्योहार बना दिया। अभी होली निकली है, अभी होली निकली है, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ होली कौन कौन खेले, हाथ उठाइए, तो मैं अपने माता पिता की सौगंध में होली खेलने वाले हाथ उठा दो, चलिए नीचे करिए, और बहुत अच्छी बात है, दो चार बच्चे ही हैं, ज्यादा बड़े लोग नहीं है, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में इतने जागे हुए लोग हैं, इतने जागे हुए लोग हैं जो त्योहारों को अपने घरों में जगह नहीं देते। एक बार जोरदार तालियां बजा लिया अपने आप, और सच्चाई तो ये है कि होली हमारा त्योहार, हमारा उत्सव नहीं है। हरदोई जिले के राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को रात में जंगल में सात दुष्टों ने बलात्कार करके जिंदा जला दिया था, उसी के नाम से होली को मनाया जाता था, लेकिन ये होली हमारा उत्सव त्योहार, इसलिए माफ की चाहता हूं,
आगे कभी कोई बच्चा खेलता है, बहू बेटी खेलती है, भाई खेलता है, उसको समझा दो। और ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक कोई भी भाई होली का जश्न ना मनाए, क्योंकि चाहे बेटी ब्राह्मण की हो चाहे बेटी मेहतर की हो, बेटी तो बेटी होती है। इज्जत इज्जत होती है, चाहे तो बेटी ठाकुर की हो और चाहे बेटी प्रजापति की हो, बेटी तो बेटी होती है, बेटी की कोई जाति नहीं होती। इसीलिए बेटी हम तो, अगर ब्राह्मण की बेटी की इज्जत पे कोई आंच आएगी तो हम सीनी पे गोली खा लेंगे।